हेलो फ्रेंड्स, मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वाज फैसिनेटेड अबाउट मेकिंग न्यू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, सर आई वांट टू डू आर्किटेक्चर, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट पाथ शुड आई चूज टू बिकम एन एक्सपर्ट आर्किटेक्ट, विच डिग्रीज फ्रॉम विच कॉलेजेस। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आर्किटेक्चर कोर्स कैसे कर सकते हैं, आर्किटेक्ट कैसे बना जा सकता है और इसमें क्या स्कोप है और फ्यूचर में क्या संभावना है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैरियर इन आर्किटेक्चर पर आधारित रहेगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्चर क्या है, हु इज आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्चर इज ए प्रोफेशन दैट इज एवर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। ए कैरियर एज एन आर्किटेक्ट हैज इमेंस स्कोप इन इंडिया। वन कैनॉट ओनली वर्क ऑन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, बट वन कैन ऑल्सो एंटर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ डिजाइनिंग, साइट्स ऑफ एग्जीबिशंस एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्रिएटिंग यूनिक लाइटिंग सिस्टम्स, डिजाइनिंग लैंडस्केप। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लगातार बदलता रहता है और इसकी आगे काफ़ी संभावनाएं हैं और ख़ास तौर पर भारत में तो इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये एक ऐसा काम है जो कि ना सिर्फ डिज़ाइनिंग और घरों के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना, इसका कई जगह पर यूज़ है। जॉब ऑफ ए आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का क्या काम होता है। जॉब ऑफ एन आर्किटेक्ट रिक्वायर्स मीटिंग विद क्लाइंट्स टू डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चर्स, डायरेक्ट वर्कर्स हु प्रिपेयर ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशंस, मैनेज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिपेयर स्केल ड्राइंग्स आइदर विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बाय हैंड। इसका मतलब होता है कि एक आर्किटेक्ट को अलग अलग तरह के क्लाइंट से मिलना होता है और उनसे मिलकर वो ये जानता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से वो उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हैंडमेड ड्राइंग्स या नक्शा दे सकता है। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जिन भी क्लाइंट से वो मिलता है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए होते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है आर्किटेक्ट बनने के लिए, तो इसमें जो पहली शर्त है वो बी आर्क कोर्स करना होता है। आप बी आर्क कैसे करेंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नाटा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, जिन्होंने 10+2 मैथ और इंग्लिश के साथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पास किया है और मिनिमम 50% मार्क्स भी हों। तो ऐसे लोग इस नाटा एग्ज़ाम को दे सकते हैं और क्वालिफाई करने पर किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में बी आर्क में एडमिशन ले सकते हैं। और बी आर करने के बाद यदि वो चाहें तो पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल डिग्रीज भी आर्किटेक्चर में ले सकते हैं। पीजी करने के लिए कैंडिडेट को गेट या सीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है गेट क्या है। गेट एक इसका फुल फॉर्म है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। ऐसे ही सीट का फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन, इज कंडक्टेड बाय आईआईटी मुंबई ऑन बिहाफ ऑफ एमएचआरडी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो उसके पास भी ऑप्शन है 10th क्लास पास करने के बाद वो 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकता है आर्किटेक्चर में। इस डिप्लोमा को करके भी उसे काफ़ी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं।
टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स फॉर आर्किटेक्ट, किस तरह के जॉब रोल्स होते हैं आर्किटेक्ट को करने के लिए। वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर के रूप में काम कर सकता है, आर्किटेक्चरल इंजीनियर के रूप में काम कर सकता है, आर्किटेक्चरल मैनेजर्स के रूप में काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और इंडस्ट्री फॉर आर्किटेक्ट, किन इंडस्ट्रीज में आर्किटेक्ट की डिमांड होती है। वो कॉरपोरेट बिजनेसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग सेफ्टी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। टॉप कंपनीज फॉर आर्किटेक्ट, वो कौन सी टॉप कंपनीज हैं इंडिया में जहाँ आर्किटेक्ट की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ नाम हैं, आर्किटेक्ट अपीज कॉन्ट्रैक्टर, कैम्भावी आर्किटेक्चर फाउंडेशन, शिल्पा आर्किटेक्ट्स, सीपी कुकरेजा एसोसिएट्स, मनचंदा एसोसिएट्स, चित्रा विश्वनाथ आर्किटेक्ट्स, डीएलएफ, आईमैक्स, जिंदल्स, लार्सन एंड टोब्रो, सहारा ग्रुप एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके अलावा काफ़ी सारी लोकल कंपनीज भी हैं जहां आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन कंपनीज को भी ज्वाइन किया जा सकता है। What is the pay scale or salary of an architect? एक आर्किटेक्ट की क्या सैलरी होती है? तो दोस्तों, डिग्री करने के बाद जब उसको एज एन आर्किटेक्ट जॉब मिलती है तो एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए से उसकी शुरुआत होती है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, मान लीजिए 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसकी सैलरी आराम से 8-10 लाख-12 लाख तक पहुंच जाती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा पैकेज होता है, ज़्यादा सैलरी दी जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही होती है। टॉप कॉलेजेस टू परस्यू कैरियर एज आर्किटेक्ट, वो कौन से टॉप कॉलेज हैं जहां पर आर्किटेक्ट का कोर्स किया जा सकता है? तो ये कुछ नाम हैं, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलोर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आईएमटी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हर स्टेट और हर बड़े शहर में अच्छे कॉलेजेस होते हैं जहां पर आर्किटेक्ट बीआर का कोर्स करवाया जाता है, तो आप उन कॉलेजेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको देखना होगा कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं या नहीं, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो दोस्तों, ये कुछ आर्किटेक्चर के बारे में सारी जानकारी थी। उम्मीद है आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा मुझसे करेंगे और मैं उस पर नए वीडियो और सोल्यूशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।